नवी मुंबई बैंक ऑफ बड़ौदा के चोर हुए गिरफ्तार, करोड़ों के नकदी और जेवरात बरामद। नवी मुंबई में हॉलीवुड स्टाइल में बैंक को कुछ लुटेरों ने लूट लिया, जिसके लिए कुल मिलाकर 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गए और दुकान फर्नीचर तक किराए पर लिया गया और फिर उन माहिर लोगों की तलाश की गई जो उनके इस फुल प्रूफ प्लान के हिसाब से चोरी के वारदात में उनका सहयोग कर सके और उनकी तलाश पूरी हुई। फिर हुआ प्लान पर काम, जिसमें सुरंग खोदने वाले माहिर कारीगर को इन्वॉल्व किया गया और महीनों तक बड़े ही शातिराना अंदाज में सुरंग खोदने का काम किया गया, जिसकी भनक नवी मुंबई पुलिस को भी नहीं लगी। इस बात की जानकारी तब हुई जब यह बैंक लूट लिया गया। नवी मुंबई पुलिस के लिए यह एक चुनौती थी, जिसे नवी मुंबई पुलिस ने सॉल्व करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके बाद इन शातिर आरोपियों के रात से पर्दा उठ गया। इन आरोपियों ने फुल प्रूफ प्लान बनाया था, लेकिन उसकी सारी चालाकी तब धरी की धरी रह गई जब उन आरोपियों तक नवी मुंबई पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद एक एक करके सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गए। यह हथियार और वॉकी टॉकी और तमाम सामान देख सकते हैं, जिन्हें आरोपियों ने सुरंग बनाने में इस्तेमाल किया था, और यह नकदी और जेवरात है जिन्हें पकड़े गए आरोपियों के पास से जब्त किया गया है। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ की नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं, जबकि 3.5 करोड़ के जेवरात और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किए थे। नवी मुंबई पुलिस की माने तो अभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आने हैं, जिनके पास से नकदी और जेवरात बरामद होंगे। आपको जानकर हैरत होगी कि पकड़े गए आरोपियों में से 5 शातिर आरोपी हैं, जो अलग अलग जेल से रिहा हुए थे, और इन्हीं 5 आरोपियों ने जिंदगी की आखिरी चोरी का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। वह 5 यह सोच रहे थे कि इसके बाद वह चोरी नहीं करेंगे, लेकिन उनकी चोरी धरी की धरी रह गई थी और सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। पकड़े गए आरोपियों पर 125 से अत्याधिक मुकदमे दर्ज है। पेश है नवी मुंबई से गोपाल पासवान की एक रिपोर्ट। ये आरोपी थे, आणि यांची मोडस ऑपरेंडी अशी होती कि 4 व्हीलर घ्यायची, कोणत्या तरी एक टाउन त्याला टार्गेट करायचं, तिथे जाऊन हॉटेल मध्ये राहायचं, 10-12 गुन्हे करायचे एका सिरीज मध्ये आणि नंतर तिथून निघायचं। आता हे जे आरोपी आहेत, 5 महत्त्वाचे आरोपी आहेत, यांची भेट हे या इतक्या साऱ्या गुन्ह्यामध्ये असल्यामुळे साहजिकच पोलिसांनी त्यांना वेळोवेळी अटक केलेली आहे। त्यामुळे नाशिक जेल, येरवडा जेल, आर्थर रोड जेल या विविध जेलमध्ये हे विविध वेळेस हे आरोपी कस्टडीमध्ये, ज्युडिशियल कस्टडीमध्ये होते आणि या दरम्यान त्याची एक दुसऱ्यांबरोबर भेट झाली आणि या भेटी दरम्यान त्यांचा हा कट शिजलेला आहे आणि जेलमधून बाहेर पडल्यानंतर की एकदाच काय ते आपण मोठं काम करायचं, एक तर संपून जायचं किंवा मग एक मोठं काम आयुष्यभरामध्ये आपल्याला दुसरं काही करायची गरज पडणार नाही असं मोठं काम करायचं, असं त्यांचं ध्येय त्यांनी आपसामध्ये भेटून ठरवलं होतं आणि त्यांची ही प्लॅनिंग करण्याची मीटिंग घाटकोपरच्या असलबा विलेजमध्ये पार पडली।